नमस्कार, मैं धर्मरक्ता श्री गौतम। अब बड़ी खबर आ रही है, ताहिर खान नाम के दंगों के माहिर खिलाड़ी जिसका के सारे का सारा राज जग जाहिर हो चुका है, अब उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उसकी दुकान और मकान दोनों सील कर दिए गए। हम उसी ताहिर खान की बात कर रहे हैं जिसने अंकित शर्मा नाम के आईबी के कांस्टेबल की हत्या कराई, उसके साथ साथ तीन और लोगों की हत्या करा के उनको नाले में फेंकवा दिया। उसके अलावा जिस तरीके से चांदबाग के इलाके में उसने आतंक फैलाया था और दो दिन तक वो दंगे कराता रहा, अपने मकान को उसने आतंक की फैक्ट्री बना दिया था, दंगे की फैक्ट्री बना दिया था, और बाद में जब उसके वीडियो सामने आने लगे तो उसके बचाव में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी उतर आई। और उतर आया संजय सिंह, जो ये कहने लगा कि वो मुझे फ़ोन कर करके बार बार ये कह रहा था कि मुझे बचा लो, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एक वीडियो में वो फ़ोन करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसीलिए उसने ये बहाना किया। बाद में एक वीडियो भी उसने बना के डाला था, उससे पहले वो ये कह रहा था कि मैं तो वहाँ था ही नहीं। यानी कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जिस नौटंकीबाजी के लिए जानी जाती है, और केजरीवाल का एक और नाम नौटंकीबाल भी है, उसी का ये चमचा इतना बड़ा नौटंकीबाज निकला कि सारे वीडियो को झुठलाने की कोशिश करने लगा। और वीडियो में यहाँ तक भी दिख रहा है कि किस तरीके से उसके जो दंगेबाज गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, जो दरिंदे हैं, वो लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी लाशों को नाले में फेंक रहे हैं, और लोग उनका वीडियो भी चुपचाप बना लिए। उन लोगों को भी आपको बधाई देनी चाहिए, उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर केजरीवाल के इस दरिंदे गुंडे आतंकवादी का सच सामने नहीं आ पाता। अब निश्चित तौर पर जिसकी बात हम कर रहे थे, कल से हम कह रहे थे कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और गृह मंत्री को हमारी बात सुनाई दे गई है और उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके मकान और दुकान और फैक्ट्री को सील कर दिया है, जहां से बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर से लेकर तेजाब और पेट्रोल बम तक मिले थे। निश्चित तौर पर यह तैयारी एक दिन की नहीं थी। जिस तरीके से पत्थरों को जुटाया गया था, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े लाए गए थे, उसका मतलब ये है कि ये कई दिन से वहाँ इकट्ठा किया जा रहा था, और प्लानिंग ये हुई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में होंगे तब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, इस दंगे को अंजाम दिया जाएगा, जिससे कि पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचेगी। और वास्तव में हुआ भी यही था। दिल्ली पुलिस सब कुछ होते हुए भी, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा थी और उस यात्रा के दौरान वो बड़ा कोई एक्शन नहीं कर सकते थे, इसी वजह से इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और जिस तरीके से आसपास के मकानों में आग लगाई गई, उनको तहस नहस किया गया, पेट्रोल बम से जलाया गया, तेजाब फेंका गया, और CRPF के जवानों पर भी तेजाब फेंका गया था। तौर पर ये सारी की सारी प्लानिंग आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद कर रहे थे। अब ये भेद खुल गया है, क्योंकि शाहीन बाग का जो ड्रामा शुरू किया गया था, अमानतुल्लाह खान का नाम उसमें था, उसके बावजूद केजरीवाल उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। और मनीष सिसोदिया ने तो खुलेआम ये बयान दिया था कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हुए हैं, शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब जब ताहिर का नाम आया तो केजरीवाल ने आज एक बार फिर दिखा दिया कि वो भारत का सबसे बड़ा नौटंकीबाज सड़क छाप नेता है। और उसने साफ कहा, जैसे ही ताहिर का नाम आया उसने कहा कि मैं कहता हूँ उसको सख्त सजा दो और डबल सजा दो। केजरीवाल अच्छी तरीके से जानता है कि इस देश की कानून व्यवस्था कैसी है, एविडेंस एक्ट जैसे तमाम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है, और उसे पता है कि उसके पास जो वकीलों की फौज है, कपिल सिब्बल से लेकर चिदम्बरम जैसे वकीलों को जब वो खड़ा कर देगा तो आसानी से अपने इस खास आदमी ताहिर हुसैन को वो बचा लेगा। और इसीलिए आज उसने कहा कि आप सवाल मत कीजिए, सख्त कार्रवाई करिए और उसको सजा दीजिए। यानी कि केजरीवाल ने एक तीर से दो निशाने किए, उसे पता था कि अगर वो ऐसा जवाब नहीं देगा तो बार बार सवाल पूछा जाएगा, और अब उसने कई दिनों के लिए सवालों को एकदम से चुप कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उसने दंगाइयों की मदद करने का भी ऐलान किया। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब यही है, क्योंकि केजरीवाल ने अभी तक दंगों की जांच हुई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, FIR चल रही है, लोगों की गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से कंपेंसेशन की घोषणा कर दी है उससे वो लोगों को लालच देना चाहता है। आपको पता होगा कि फ्री का लालच दे के उसने दिल्ली में सरकार बना ली, और अब वो दंगा पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़क रहा है उनको कंपेंसेशन की घोषणा करके। केजरीवाल ने मृतकों के लिए 10 लाख और जो बच्चे मरे हैं उनके लिए 5-5 लाख ऐसी बात कह के, और उनका अस्पताल में इलाज, मकान के लिए मुआवजा, किराएदार के लिए मुआवजा, घर के सामान के लिए मुआवजा, और तो और उसे गाड़ियों के लिए मुआवजा और उनकी जो इंश्योरेंस के करके, ये दिखा दिया है कि लोगों को उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। और वो अंकित शर्मा और उसके तमाम साथियों और दिल्ली में जो अब तक 34 हत्याएँ हो चुकी हैं दंगाइयों के द्वारा, उनको भूल जाएँ और केजरीवाल के जो गुनाहों को माफ़ कर दें,
उसने पर्दा डालने की कोशिश की है पैसों का, और हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर ये पैसों का पर्दा असर भी कर जाए। निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक खेल खेला है केजरीवाल ने। वो जानता है कि अगर कंपेंसेशन की बात कर देगा तो बहुत से लोग जो उसका खिलाफ भी बोल रहे होंगे उन्हें भी लगेगा कि ये तो हमारा हमदर्द है। यानी कि केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा पैसा है, और पैसे के द्वारा वो लोगों की भावनाओं को, लोगों के दुख दर्द को भी खरीद लेना चाहता है। और अभी तक दंगों की आग कई जगह सुलग रही है, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल इस तरीके की घोषणा करता है, इस तरीके के लालच देता है, और इस लालच का फायदा वास्तव में उन दंगाइयों को भी मिलेगा जिनमें से एक प्रमुख दंगाई इसकी पार्टी का ताहिर हुसैन है। केजरीवाल ने जो घोषणा की है उसके तहत दंगों में अगर किसी का घर जलता है, इसकी दुकान जलती है, तो उसको पैसा मिलेगा। और ऐसी स्थिति में ताहिर हुसैन के घर पर भी पत्थर और वो पड़े हुए हैं, और उसका घर भी जलाते समय जल गया है, इसलिए ताहिर हुसैन को भी मुआवजा मिलेगा। और ताहिर के गुंडों ने जो पड़ोस के जो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए एक मुस्लिम के स्कूल को जलाया, उसको भी मुआवजा मिलेगा। यानी ये दोनों ही तरफ से दंगाइयों को बड़ा फायदा होने वाला है। ये कोशिश केजरीवाल की पूरी टीम ने प्लान के तहत की है, लेकिन कब तक ये बच पाएगा ये देखना अब लाजमी है। और देखना ये भी लाजमी है कि दिल्ली के लोग, जिन्होंने 53% लोगों ने इसको वोट देकर इस राक्षस प्रवृत्ति की पार्टी को दिल्ली में बिठा दिया है, इन दंगाइयों की पार्टी को बिठा दिया है, इन देशद्रोही गद्दारों की पार्टी को बिठा दिया है, वो दिल्ली के लोग कब चेतेंगे और कब इस व्यक्ति को इसके किए की सजा देंगे। निश्चित तौर पर इसी कड़ी में एक और खबर ये आ रही है कि जब अब तक जो नाम चल रहा था कपिल मिश्रा का, कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था हाईकोर्ट के ऊपर कि कपिल मिश्रा के खिलाफ हेट स्पीच का मामला बने, और इसमें प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर को भी घसीटने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब इस मामले में एक नया पेच आ गया है। हाई कोर्ट ने इसकी जो सुनवाई है 13 अप्रैल तक टाल दी है, और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वो किसी भी तरीके से अभी ऐसा कोई डायरेक्शन दिल्ली पुलिस को नहीं देंगे FIR करने का। निश्चित तौर पर उन्होंने कह दिया है कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ खबर अब ये है कि दिल्ली में ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मनीष सिसोदिया से लेकर बारिश पठान तक, अमानतुल्ला खान तक, ऐसे लोगों के खिलाफ अब FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली की अदालतों में कई वकीलों ने याचिकाएं लगा रखी है। और वजह यह है, जैसा कि आपको याद होगा, हमने तो 14 दिसंबर की सोनिया की रैली के बाद ही आपको बताया था कि अब निश्चित तौर पर देश में जो दंगे फसाद होंगे उसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा दोषी होगा तो वो सोनिया गांधी होगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान के मंच से जिस तरीके से लोगों को ललकारा था, लोगों का आह्वान किया था कि वो सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ संघर्ष करें, सरकार के खिलाफ लड़ें, जिसका सीधा मतलब था कि वो सड़कों पर उतरकर दंगा फसाद करें। निश्चित तौर पर सोनिया का ये बयान पूरी तरीके से प्राइमा फेसिली दंगे भड़काने के एक भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है, और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उसी तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था, और उसने तो प्रधानमंत्री को डंडे से पिटवाने तक की बात कर दी थी। ऐसे ही बयान प्रियंका वाड्रा ने भी कई बार दिए थे, और इसी वजह से अब कुछ जानकार वकीलों ने, कुछ समझदार वकीलों ने, कुछ देशभक्त वकीलों ने अदालतों में ये याचिकाएं लगाई हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से शाहीनबाग का पक्ष लिया था उसके खिलाफ भी मांग की गई है। अमानतुल्ला खान द्वारा जो बयान दिए गए थे उसके खिलाफ भी, और बारिश पठान ने जो बयान दिया था कि 15 करोड़ लोग 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, यानी कि उसने मजहबी अपने मुस्लिम भाइयों को यह समझाने की कोशिश की थी कि आप 6 गुना ज्यादा लोगों को भी दंगा फसाद करके मार काट सकते हो। निश्चित तौर पर अब इसको लेकर अदालतों में मामले शुरू हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में एक नहीं, दो नहीं, कम से कम एक दर्जन से ज़्यादा FIR तो इन लोगों के खिलाफ होंगी ही, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इस पूरे के पूरे ड्रामे को रचा था। आपको याद होगा कि जब CA लागू हुआ था उसके बाद पूरी तरीके से देश का माहौल शांत था। कांग्रेस ने इससे परेशान होकर और ये देख करके अभी कुछ नहीं हो रहा है, मुस्लिम तुष्टिकरण का फायदा वो नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए एक रैली आयोजित की रामलीला मैदान में, और वहाँ पर सोनिया ने जो भाषण दिया था वो कानून के तहत पूरी तरीके से भड़काऊ भाषण था, और अब तक जिन भड़काऊ भाषणों की चर्चा हो रही है उससे ज़्यादा खतरनाक भाषण था। लेकिन आज तक ABP न्यूज़, NDTV और टाइम्स नाउ जैसे पत्रकार और जो चैनल हैं उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि सोनिया के उस भाषण पर सवाल उठा सके। और आज इसको लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे सवाल उठाया और ये कहा कि सोनिया के 14 दिसंबर के भाषण की जाँच होनी चाहिए, और उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन पर भी विचार किया जाना
चाहिए। निश्चित तौर पर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भाषण था और ऐसे भाषण देने वाले व्यक्ति को कभी भी खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। आपको पता होगा कि सोनिया इटालियन मूल की महिला है, वो भारतीय नहीं है। उसका पिता मुसोलिनी की सेना में काम करता था, हिटलर की सेना में काम करता था। उसकी माँ मुसोलिनी की यूथ विंग की कार्यकर्ता रह चुकी, और यही वजह है कि सोनिया के अंदर इस तरीके की बात है, फासीवाद और नाजीवाद उसके खून में रचा बसा हुआ है। और यही वजह है कि 14 दिसंबर को उसने जो बयान दिया था वो पूरी तरीके से फासीवादी और नाजीवादी बयान था। अब इसको लेकर अदालत में अगर आदेश होता है तो निश्चित तौर पर सोनिया के खिलाफ FIR होगी, और FIR उसके बेटे के खिलाफ भी होगी, और उसकी बेटी जो कि रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है उसके खिलाफ भी होगी। निश्चित तौर पर बारिश पठान जैसे लोग भी नहीं बच पाएंगे। तो आगे अब कार्रवाई शुरू हो गई है, ताहिर हुसैन के घर की एक तरीके से सीलबंदी पुलिस ने कर दी है, और आगे भी जांच चल रही है। जो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा ताहिर हुसैन, उसकी पार्टी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मोबाइल कॉल डिटेल जब खंगाली जाएगी तो निश्चित तौर पर उनकी सच्चाई पता चल जाएगी और सामने आ जाएगा कि वो लोग कहाँ थे। दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, और इसी के तहत नाटक करते हुए आज सोनिया अपने पूरे चमचों की फौज को लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंची और ये गुहार की कि इस पूरे के पूरे मामले में वो दखलंदाजी करें। लेकिन सोनिया ये भूल गई थी कि इस सब पूरे दंगे की जो शुरुआत है, दंगे की जो पटकथा है, उसको लिखने का सबसे बड़ा काम सोनिया गांधी और उसके चमचों ने ही किया है। जय हिंद, जय भारत।